चूड़ी जोखन की हाथ में हाँ, चूड़ी जोखन की हाथ में याद पिया की आने लगी कि भिग भिग रात में याद पिया की आने लगी। रिमझिमकी बड़ी सात में हाँ, रिमझिमकी बड़ी सात में याद पिया की आने लगी कि भिग भिग रात में याद पिया की। अरे बता दो नाम उसी का तुम ये जिसने जुल्म डाला रे, बता दो नाम उसी का तुम ये जिसने जुल्म डाला रे। किसने जुल्म ढाया है और बाधी कर चार पाई में तुझे किसने लिटाया है, बाधी कर तो मिले सजा जो मिल रही तुझको, अरे पड़ी है रथ में हूँ भाभी समझी मेरे नया यारे। सत्यारे ने चार पाए बांध दिया, बताओ उसका नाम बताओ, मैं उस हराम जाते की जान ले लूंगी। सुनो किरण, बोलो बताओ बताओ क्या किरण तुझसे फूटी किस्मत हमारी है, बताओ किस्मत हमारी है, तुम्हारे भाई बादल ने किया हरकत ये सारी है तुम्हारे मेरे भाभी। हाँ किरण मैं ठीक कर रही हूँ, लूटना है जबरदस्ती चाहते इज्जत हमारी है, बचा लो लाज तुम्हें मेरी चरण चूमू तुम्हारी क्या। दीदी कल तुम्हारे भैया मेरे कमरे में आए और मुझसे उल्टी पुल्टी बातें करने लगे, जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाहते थे,
अगर किरण तुम नहीं आई होती मेरी इज्जत लूट जाती। घबरा नहीं भाभी, अगर अत्याचार करने वाला मेरा भाई बादल है तुम्हारी इज्जत मैं बचाऊंगी। अरे भाभी मुझसे साड़ी बदल कर अपनी इज्जत बचा के यहाँ चली जाओ, मैं अपने बादल भाई से निपट लूंगी। चलो किरण, देर मत करो। करमाली भाईजान, भाईजान क्या बताऊं? क्या हुआ? कमल के शरीर में प्रतिदिन कोल फैला चला जा रहा है। सही बात, ये छुआछूत की बीमारी है। है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं यह रोग हमारे और तुम्हारे ना हो जाए। सही बात। देखिए भाईजान, ऐसा करते हैं, आज कमल को आने दो, घर में नहीं रहने दूंगा, बल्कि मार करके घर से बाहर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बोल, क्या करने आया है? अब बोल, दूध गरम करके आया हूँ, चल करके उसे पी लीजिए। दूध गरम करके आए हो? जी हाँ। दूध जाए तुम्हारा कमल भार में, क्या करे वो? हाथ का दूध तेरे पीऊंगा नहीं, जा चला जा मका को मेरे छोड़कर, तेरा जब मैं सहारा बनूंगा। कमल, तेरे हाथ का दूध नहीं पीऊंगा, तेरी भलाई इसी में है, ये मेरा मकान खाली करके। इसलिए मुझ पे नाराज हो इसी तरह, क्या कहता है हमारी बताओ मुझे, हाथ का दूध मेरे पियोगे नहीं, राज को जाहिर करके बताओ मुझे। अब बोल, मैं जानना चाहता हूँ अबू कि आप मुझसे किसलिए नाराज है, मुझ पे कितना क्यों क्रोध दिखा रहे हैं, क्यों इतना नफरत कर रहे हैं अबू? कमल, तू जानना चाहता है कि मैं तुझसे नफरत क्यों कर रहा हूँ? सुन, कोल तेरे बदन में बहा जा रहा है, अब दवा से नहीं ठीक हो पाएगा, छोड़ दे साथ मेरा तू ये बेशरम, वरना मेरे भी यह रोग हो जा। दिन तेरे शरीर में कोट फैला चला जा रहा है, ये छुआछूत की बीमारी है, ये रोग हमारे हो जाएगा, इसीलिए तुझे नफरत करता हूँ, तेरी भलाई इसी में है, मेरा मकान खाली कर दे। आपके ना सिवा जग में मेरा कोई, छोड़ करके मक्का को नहीं जाऊंगा, जाएगा, जाना पड़ेगा, ठोकर मुझे पर लगाओ नहीं इस तरह। ठोकर मुझे पर लगाओ नहीं इस तरह, दान पानी बिना अबू मर जाऊंगा।
अगर तू इस मकान को छोड़कर नहीं जाएगा मैं मरते मरते तेरी जान ले लूंगा। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। वो क्या कहा कि इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है? जी हाँ वो। लेकिन मैं अंतिम बार कह रहा हूँ कि यहाँ से चला जा, नहीं तो आज मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन वो जितना आप पेदर्द से मुझे मारे वो कोई अबू अपने बेटे पर इतना सितम नहीं चाहता होगा। अबू क्या कहा? कोई अबू अपने लाल पर इस तरह से सितम नहीं चाहता होगा। हाँ अबू। लेकिन कमाल आज के बाद जान लेना कि मैं तेरा अबू नहीं हूँ। क्या अबू आप मेरे अबू नहीं? जी नहीं। नहीं अबू ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेरा अबू नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। लेकिन अबू मैं जानना चाहता हूँ यदि मैं आपका लड़का नहीं हूँ तो मुझे बताइए अबू मैं किसका लड़का हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। कमल तू जानना चाहता है? जी हाँ अबू। किसका लड़का है और तेरे माता पिता का क्या नाम है? जी अबू मैं जानना चाहता हूँ। कान खोल करके सुन ले तू कौन है। मुझको जो देख रहा है मैं अनवर खान नहीं हूँ। मेरा नाम अनवर खान नहीं है तो फिर क्या नाम? मेरा असली नाम है डाकू जंजीरा सिंह। डाकू जंजीरा सिंह। डाकू जंजीरा सिंह। और तेरे पिता का नाम है ठाकुर कुंदन सिंह जो कि इंस्पेक्टर हैं। उनसे और मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी थी। एक दिन मैं शराब की भट्टी पर शराब पी रहा था, अचानक तेरे पिता कुंदन सिंह आ गए, मुझको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद ले गए मुझको जेल में बंद कर दिया। जब मैं जेल से 6 महीने के बाद जमानत से छूटा तो छूटने के बाद क्या किया मैंने? ये किया कि तेरे पिताजी के घर में मैंने डाका डाल दिया। डाका डाल देने के बाद तेरी माँ का नाम था दुर्गावती, मैं दुर्गावती को गोली से उड़ा दिया। उसको गोली मार देने के बाद तू उस वक्त 5 वर्ष का था, मैंने तुझको उठा लाया और तेरा परवरिश किया। मैंने तुझको इसलिए उठा लाया इसलिए परवरिश किया कि मैं सोचा था कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तू मेरी सेवा करेगा। लेकिन अब तू मेरी सेवा क्या करेगा? तेरे तो बदन में कोढ़ हो गया है, फलाई तेरी सी में है, ये मेरा मकान खाली करके चला जा। लेकिन अबू। लेकिन क्या है अबू? यदि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ अबू तो ऐसे इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाऊंगा। क्या कहा? आज से इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाएगा? हाँ। लेकिन तुझको पता नहीं है जो सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है अभी बोरा में भर करके ले चल रहा हूँ, पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा, तड़प करके मर जाएगा हिंदू धर्म अपना करके। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे मत करिए अबू, मैं आपका मकान छोड़कर अभी चला जाऊंगा। अबू क्या कहा? मेरा मकान छोड़कर जाएगा? जी हाँ। लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा, तू मेरे दुश्मन का लड़का है, यहाँ से जाएगा कभी ना कभी तू मेरा काल बन जाएगा। चल आ तुझको बोरा में भर करके ले चल रहा हूँ पहाड़ के नीचे। नहीं नहीं ऐसा कदम नहीं होगा, चल मेरे साथ चल। भाभी देर मत करो, पास जाओ, लेट जाओ। मुझे क्षमा कर देना, मैं जा रही हूँ। Ha 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 ha
ओ माय गॉड, 10 मिनट फिर भी लेट हो गया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले रस्सी खोलूं, उसके बाद मोहब्बत की बात करूं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संगठवारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। दुर्गत नाशन दुर्गा जय जय, काल विनाशन काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मारी जय जय, राधा रुकुमर सीता जय जय। यहाँ प्रभु की कृपा भय हो सबका, जन्म हमारा सुफल भवाया। कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। कहीं विधि होई ना कहीं समोरा, करहू हे गदा समय तोरा। राम चंद्र की बार बार तोहके समझावा, करती हो इनकार। तोहे बिना सजनी लागे न जीवे। एक बात हम तुमसे कहते, मानो बात हमार। आवा तोहे सजनी ले चलू नदी। उठो, मैं आ गया। मुसफ़ूर कर लो, आओ जाओ। किरण तुम पूनम को भगा कर जहां से किरण, और धूल को आंख में झोंक, मेरे दिया मुख में कालिख लगा के, मेरा इस तरह जान को आफत में डाल, और अपनी चुड़ैल। अरे पूनम को भगाकर अपने हक में अच्छा नहीं किया, बोल काली नागिन पूनम को। उसकी इज्जत बचा करके मैंने बिलाई, कौन सा कर दिया मैं बुरा कर्म है, दोषी मैं हूँ, करो चाहे जो मेरा, मैं वही किया जो मेरा है। खींच लूंगा मैं चमड़ी तेरी, अरे धर्म को करना सारा भुला दूंगा मैं, और लाल करके सलाखे अभी इस घड़ी, लाल करके सलाखे अभी इस घड़ी, आंख को खोड़ लूंगी सजा दूंगा मैं। तू मेरी बहन नहीं है, तू काली नागिन है। कुत्ता, आज जब तक मैं तेरी दोनों आंख नहीं फोड़ दूंगा, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ओके बेदर्दी अरे
करिए नहीं, आँख फोड़ नहीं कर तलाक गई। नैन भी सुना संसारी हो जाएगा, आपका चुमती हूँ मैं प्यारा कर। भैया इतना अंधेर मत करो भैया, मैं आपकी छोटी बहन, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो, मैं आपके पांव पड़ रही हूँ। अब तेरी गलती और हूँ कुदेसाऊ, मेरी बात सुन, जा चली जा अभी मेरे घर से निकल, बेहरा बेसरंग तू बद चलन, घूम कर भीख मांगोगी ये चारों तरफ, याद आएगा उस वक्त बादल। ऐसे तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया, ऐसे बहन भाई का रिश्ता टूट गया। मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो, बहन नहीं पूरा काली नागिन है, तुझसे क्या लेना देना था। गलती हो गई भैया, पगली कहीं अभी अभी भूल से ये से वो हो जाता तब रे। चुड़ैल कमन गलती है, और किसकी गलती है, हमारी गलती है। वन विभाग कमियर कहा है बड़का भैया, सबसे पहले सलाखे गरम करो। नहीं भैया सलाखे मत गरम कराओ, भैया सलाखे मत गरम कराओ, जब तक मैं तेरी दोनों आंख नहीं फोड़ दूंगा, जब तक तू दर दर की ठोकर नहीं खाएगी, तब तक गली गली में भिक्षा नहीं मांगोगी, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। भैया सलाखे मत गरम, कहा के मार भगाता कहा क्या खोबे खेता होता जी, ज्यादा थोड़ी परेशानी हुई ना, हम रड़ुआ है हम इनके दे देता है। साले सलाखे गरम करो। अच्छा महाराज जी सलाखे गरम करता ही नहीं भाई, ये सलाखे चुड़ैल सलाखे गरम करो। भागने पर तेरी आंख नहीं बच सकती है किरण, मैं देखता हूँ तुम कहाँ जाती है, आ रहा हूँ सलाखे गरम कराओ, पकड़ कर लाता हूँ।